दोस्तों बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि हम 2 दिन से प्ले कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है गाइस। इंडिया में जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि स्पेशली क्राफ्टर ने इंडियन प्लेयर के लिए जो है लॉन्च किया है उसके लिए बहुत ही बैड न्यूज है, वो इंडिया में बैन हो सकता है। उसका रीजन क्या है? बेसिकली गाइस आईजीएन इंडिया बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। उन्होंने चेक किया है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कि जो आप एपीके इंस्टॉल कर रहे हो, जो डेटा हम जो है सेंड और रिसीव कर रहे हैं, वो डेटा जो है चाइना के सर्वर पे हिट कर रहा है। गाइस बेसिकली इस गेम का बैन होने का रीजन बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ पे जो है बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट जो कि है आईजीएन इंडिया ने यहाँ पे क्लेम किया है। उन्होंने जो है आईजीएन इंडिया पे एक पोस्ट अपडेट किया है जहां पर मेंशन किया है कि उन्होंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल करने के बाद में जो है एक गेम प्ले किया था और उस गेम का जो सर्वर है उन्होंने वहां पर चेक किया जो कि उसका आईपी एड्रेस, उन्होंने वहां पे अपना आईपी एड्रेस भी मेंशन किया है कि हम जो है किस आईपी एड्रेस पे हमारा जो है सर्वर को हिट कर रहा है, सब कुछ वहां पे उन्होंने डिटेल यहां पे मेंशन की है। उन्होंने ये बोला है कि हमने जो है गेम प्ले करने के बाद में जो है उसके रिसोर्सेज चेक किए तो वो जो है गेम उसका सेंड एंड रिसीव का जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर पे हिट कर रहा है जो कि सर्वर है चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन सर्वर जो कि चाइना के बीजिंग के अंदर जो है अवेलेबल है। वो सारा डेटा जो है वहां पे शेयर किया जा रहा है, मतलब उनका आईपी एड्रेस जो है निकल के आ गया है। और उन्होंने यहां पे कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली है, उन्होंने यहां पे जो है गेम को प्ले करने के बाद में जो है सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं हमारे साथ में कि ये जो सर्वर है वो वहां पर शेयर एंड रिसीव जो हम कर रहे हैं उसका जो डेटा है वहां पे जो है हिट कर रहा है। और इतना ही नहीं, मतलब जो ओनली गेम का डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारा जो फोन का जो डेटा है मतलब एंड्रॉइड डिवाइस का जो डेटा है वो भी जो है वहां पर हिट कर रहा है। और ये जो आईजीएन इंडिया जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े रिसोर्सेज लगाने के बाद में जो है उन्होंने ये जो है एक वेबसाइट पे जो है पोस्ट अपडेट किया है और ये जो है बिल्कुल जेन्युइन पोस्ट है जो कि आज 20 जून को जो है 9:11 पर जो है अपडेट किया गया है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, हमें जो उम्मीद यही है कि अगर आपने डाउनलोड किया है तो अभी के लिए आप इसको जो है अनइंस्टॉल कर दो जब तक जो है कोई भी क्राफ्टन जो है कंपनी का कोई एम्प्लॉई या फिर जो है क्राफ्टन ब्रांड जो है कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देता है, तो उस टाइप तक आप जो है इसको अनइंस्टॉल कर दो और क्लेरिफिकेशन होने के बाद में जो है हम इसको वापस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर बताना आपका क्या मानना है इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।